अस्सलाम जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अलहमदिल्ला ठीक ठाक फिट फाट। तो आज है रमज़ान का डे 8। तो बाहर से बाजे आ रही हूँ क्योंकि बाहर जो है काम शाम लगा हुआ है। तो आज का सीन ये है कि आज अभी तक कुछ नहीं पता कि क्या बनाना है, क्या करना है अफ्तारी के लिए। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, मैं कुरान पढ़ती हूँ, फिर आपको डायरेक्ट अफ्तारी की वक्त मिलती हूँ। अल्लाह जो है आज बीमार हुआ है 2 दिन से, रोनी इसको आज नहीं लाया है, इसको सही नहीं लाया है भाई। रोनी तो देखो ज़रा अपनी आइज़ दिखाओ, आपकी आइज गंदी हुई हैं, देखो ज़रा लिफ्ट नहीं करा रहा ये मुझे। अब जा रही हूँ जी मैं किचन जा रही हूँ। अब किचन में बनेंगे स्पैगेटी और दही भले। तो स्पैगेटी के लिए मैं शिमला मिर्च और गाजर काटने के लिए जा रही हूँ। गाजर है माँ की, कोई नहीं काटने के लिए जा रही हूँ। और चिकन बॉयल कर करने के लिए रखती हूँ। और फिर जो है मम्मा रेसिपी बनाएंगी। मम्मा को आज बोला कि अच्छी सी रेसिपी बनाए, वरना मम्मा ठंडी मार देती है। तो आज मम्मा अच्छी सी रेसिपी बनाएगी, रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन आप लोग सब बनाते ही हो, लेकिन कंटेंट तो बनाना है मैंने, तो बर्दाश्त कर ले थोड़ा सा। थर्ड लाइफ हमारे पास गाजर है, शिमला मिर्च है, फिर स्पैगेटी क्यों बना रहे हैं हम। एक शिमला मिर्च थोड़ी हुई है, वी फोर्ड वन शिमला मिर्च, इसी को ही चलाते हैं आज। ना बंद गोभी है ना गाजर है, तो पास्ता से उबाल लेते हैं, चिकन बॉयल कर लेते हैं। मई आएगा, मई ट्यूशन गया हुआ है, मई जब ट्यूशन से वापस आएगा तो फिर जो है कि फिर हम उसे मंगवाएंगे, तो फिर ही कटिंग होगी एंड में। अभी जो है मेन में जीरे काट लेते हैं। चलो यार, तो मैंने नई जगह ढूंढी है, क्या फिट जगह। ओह माय गॉड, तो ये गर्म पानी में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगी। ये चिकन बॉइल थी और बाकी जो है पत्ते हैं जो और भी। मैं जी मामा ने बॉइल करने के लिए रखती है 2 टाइप्स ऑफ स्पैगेटीज, मैक्रोनीज जो भी कहते हैं आप लोग। जीरुआ भी बना रही है वाइट सॉस, ठीक है बना रही है उसकी। मैं रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ, वो अभी स्टार्ट हो गई है, जल्दी जल्दी मैं दिखाती हूँ। रब ने डाला है बटर एंड मैदा, लो फ्लेम में हमने रखना है। व्हाइट सॉस इज रेडी आफ्टर सम स्ट्रगल, लेट्स मेक स्पैगेटी। चलो यार अब स्पैगेटी बनाते हैं। रखते हैं जाकर, ये रखते हैं हम टेबल में जाकर। ये वाइट सॉस अपने बनाया है। A few moments later. नमाज पढ़ ली है आफ्टर इफ्तार। तो रोज़ाना ये होता है कि मेरी बहन मामा ने कुछ ना कुछ बनाना होता है और एंड में जो है मैं ही बना लेती हूँ। अब पता नहीं स्पैगेटी कैसे बननी है, अब जाएंगे बैठेंगे खाएंगे फिर आपको बताते हुए कैसी बनी है, अच्छी बनी है कि नहीं बनी। लेट्स मेक चाय टुडे विद रॉपी। दीदी तू अपनी चाय पी ना, देख ना मैं पी लूंगी वही चाय। उठा के तूने भाई, चीनी डाल दो ना इसमें। मेक मोर चा तुम देखो कैसे कुछ मिलने लगा। चलो यार पापा के लिए कम मैं ये कह रहे हैं वो उसे काटो पौने से। तू भी डाल दो ना। नहीं 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 डाल देना तेरी भी। ऐड पत्ती, पत्ती डालो यार। अब मैं जो चाय लेके जाती हूँ भाई, ठीक लग रही है डालती हूँ कप में। चलो स्पैगेटी खाते हैं हम, बस कर दो उसको शूट नहीं करना, मुंह के अंदर डाल लो मेरे फोन। स्पाइसी बनी है यार आज, मम्मा की तरह मेरे से नहीं करवाई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। स्पाइसी बनी है बट मजे की बनी है, काली मिर्चों वाला कभी टेस्ट आ रहा है ना ज़्यादा प्रोमिनेंट। इनमें
इन सब ने व्हाइट सॉस डाल खाई, मैंने व्हाइट सॉस मुझे नहीं सर मैंने डाल खाई, लेकिन व्हाइट सॉस कैसी थी रवि? ऊंचा बोल रहे हो यार। अच्छी थी। चलो सर यार, एक और मुझे याद आई अपडेट के कल हुआ था मैच फाइनल, तो इस्लामाबाद जीत गया है, बड़ी खुशी हुई है यार जैसे। लेकिन ये है कि इस्लामाबाद वेल प्लेड और मुल्तान ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी मैच खेला था। एंड तक कुछ पता नहीं था कि कौन जीत रहा है, बट वेल प्लेड बोथ टीम्स। बस यार आज का व्लॉग यहीं पर ही खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग पसंद आएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और व्लॉग को इंजॉय करना। और यार मैंने एक मशवरा लिया था मिरर का पिछले व्लॉग में, मैं व्लॉग ऐड कर दूंगी किस व्लॉग में मशवरा लिया था मिरर का, तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आगे, किसी ने नहीं बताया। खैर अच्छा, तो बस यार बस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर से एक अच्छे से व्लॉग के साथ कल मिलेंगे, तब तक के अल्लाह हाफिज़।